इस क्वेश्चन में क्या दिया, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स 120 सेंटीमीटर इन 6 सेकेंड, देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट मान के सॉल्व करना पड़ेगा। nth सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कैसे मिलता है, u प्लस ए बाई टू 2n-1। इसको यूज़ कर लेते हैं, इनिशियल स्पीड 0, एक्सेलरेशन को a मान लो, डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू n, 2 इंटू 6-1 मतलब 11, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 120 सेंटीमीटर। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी, 120 इंटू 2, 240 डिवाइडेड बाई 11, और ये आएगी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में। इसको कैसे लिख सकते हैं, 24 इंटू 10, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10^-2। अब ये किस में आएगी, 11 डिनोमीटर में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन को आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको काट सकते हैं, 11 2 ज़ा 22, 2/11, और पीछे 10^-1। एग्ज़ाम के लिए कुछ कुछ फ्रैक्शंस की वैल्यू याद रख सकते हैं, जैसे 1/11 आपका होता है 0.0909, तो 2/11 कितना हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इट विल बी 0.1818। इस 2/11 की वैल्यू पुट कर दो, सो एक्सेलरेशन विल बी 2.1818 इंटू 10^-1। दिस विल कम आउट टू बी 0.218 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर फॉर एक्सेलरेशन।